शिक्षा विभाग के नए ACS एस सिद्धार्थ जब से बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से अपने फैसलों के लिए काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। एस सिद्धार्थ जब से बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं और अपने फैसलों के लिए भी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। एस सिद्धार्थ ने कल के पाठक के एक बड़े फैसले को हटाते हुए अपना एक नया फैसला सुनाया है। दरअसल आपको बताते चले कि जब पूर्व में ACS के पाठक बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उस वक्त के पाठक बिहार के स्कूलों में कई छुट्टियों को रद्द कर दिया था, जिसे एक बार फिर से एस सिद्धार्थ ने बहाल कर दिया है। लेकिन अब हम जो अभी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो एस सिद्धार्थ के स्कूल की तस्वीर की नहीं है, कोई फरमान की नहीं है, बल्कि उनकी निजी जिंदगी की है। दरअसल एस सिद्धार्थ पटना की सड़कों पे स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए नजर आए हैं। स्लो और सख्त एक्शन के लिए फेमस शिक्षा विभाग के ACS एस सिद्धार्थ का भी एक अलग अंदाज देखने को मिला है। एस सिद्धार्थ एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। वे कड़ी रेहड़ी पटरी पर सब्जी खरीदते नजर आते हैं तो कभी ट्रेन के जनरल बोगी पर आम आदमी की तरह सफर करते हुए नजर आते हैं। एस सिद्धार्थ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह सड़क पर रफ्तार भरते हुए नजर आ रहे हैं। हेलमेट लगाए एस सिद्धार्थ सुबह सुबह स्पोर्ट्स बाइक से रफ्तार का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स बाइक से सड़कों की सैर करते हुए अपर मुख्य सचिव दानापुर पहुंच चुके। दानापुर में वो सड़क किनारे लगे लिट्टी चोखे के ठेले पर पहुंचे, आसपास के लोगों के साथ बातचीत भी की और लिट्टी चोखे का आनंद भी उठाया। एस सिद्धार्थ के इस निराले अंदाज की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। लोग उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ अधिकारी बता रहे हैं, साथ ही शिक्षा विभाग में उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। एस सिद्धार्थ सिर्फ अपने कामों के लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी सादगी का आलम यह है कि बिना किसी तामझाम और सिक्योरिटी से वो आम आदमी की तरह स्कूल पहुंच जाते हैं और कई बार तो ऐसा हुआ है कि शिक्षक और अधिकारी भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं। सड़क पर स्कूली बच्चों को देखते हुए अपने वाहन से उतरकर उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, उनसे पढ़ाई और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछने लगते हैं। एस सिद्धार्थ की गिनती नीतीश कुमार के करीबी अफसरों में हाथ होती है। नीतीश कुमार उन्हें कई अहम विभागों की जिम्मेदारी दे चुके हैं। नीतीश का इस समय सबसे अधिक फोकस बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर है। के पाठक के बाद अब उन्हें एस सिद्धार्थ पर भरोसा जताया है। वो 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो आप देख रहे हैं कि एस सिद्धार्थ अपने फरमानों के लिए तो बिहार में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अब अपने निजी जिंदगी जिस तरीके से वो जीते हैं उसके लिए भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तारीफ बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।